ढंगों और दंगों के इस महादेश में ढंग के नाम पर दंगे ही रह गए हैं और दंगों के नाम पर लाल खून जो जमने पर काला पड़ जाता है। यह हादसा है, यहां से वहां तक दंगे, जातीय दंगे, सांप्रदायिक दंगे, क्षेत्रीय दंगे, भाषाई दंगे, यहां तक कि कबीलाई दंगे, आदिवासियों और वनवासियों के बीच दंगे, यहां राजधानी दिल्ली तक होते हैं। ये लाइनें उस कवि की हैं जिसने अपनी कविताएं कलम से नहीं लिखी बल्कि याद रखीं और सुनाते रहे, उस फक्कड़ और विद्रोही कवि को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहचान कहा गया। आज भी जेएनयू की वादियों में उनके कविताओं का असर देखने को मिलता है। आदाब, नमस्कार। क्विंट हिंदी के वीकली वीडियो अल्फाज में आज हम बात करेंगे हिंदी के विद्रोही कवि रमाशंकर यादव की। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के आहिरी फिरोजपुर गांव का एक कवि साल 1980 में वकालत की पढ़ाई छोड़कर दिल्ली के जेएनयू में हिंदी साहित्य पढ़ने आया और वक्त ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि आगे की पूरी ज़िंदगी जेएनयू के दामन में गुजारने के बाद भी जेएनयू उसका नहीं हो सका। आधिकारिक रूप से जेएनयू भले ही रमाशंकर विद्रोही का नहीं हो सका, लेकिन वो कैंपस से उठने वाली हर विरोध की आवाज़ का प्रतीक बने। साल 1983, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बड़ा छात्र आंदोलन हुआ। इसमें सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ रमाशंकर विद्रोही भी शामिल हुए। इस दौरान उन पर मुकदमा हुआ, उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया। इसके बाद वो जेएनयू के छात्र तो नहीं रहे, लेकिन अगले 30 साल का वक्त कैंपस में ही रहकर गुजारा। उनकी बेटी अमिता कुमारी ने क्विंट से बात करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनकी सभी डिग्रियों को जब्त कर लिया था। जिस तरह से उनकी ज़िंदगी जेएनयू के बगीचों में गुजरी, उसी तरह उनकी कविताओं में भी जेएनयू की महक शामिल है। वो अपनी एक कविता में लिखते हैं, जेएनयू में जामुन बहुत होते हैं और हम लोग तो बिना जामुन के ना जेएनयू में रह सकते हैं और ना दुनिया में ही रहना पसंद करेंगे। रमाशंकर विद्रोही अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते थे, इसी वजह से वो जेएनयू के छात्रों में काफ़ी मकबूल रहे। विद्रोही अपनी एक कविता में लिखते हैं, नाक में नासूर है और नाक की फुफकार है, नाक विद्रोही की भी शमशीर है, तलवार है, जज्बात कुछ ऐसा कि बस सातों समंदर पार है, ये सर नहीं गुंबद है कोई, पीसा की मीनार है, और ये गिरे तो आदमियत का मकीदा गिर पड़ेगा, ये गिरा तो बुलंदियों का पेंदा गिर पड़ेगा, ये गिरा तो मोहब्बत का घरौंदा गिर पड़ेगा, इश्क और हुस्न का दोनों का दीदा गिर पड़ेगा, इसलिए रहता हूँ जिंदा, वरना कब का मर चुका हूँ, वरना कब का मर चुका हूँ। जेएनयू में रमाशंकर विद्रोही के साथ वक्त बिता चुके अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अवधेश त्रिपाठी ने क्विंट से बात करते हुए कहा कि विद्रोही जी अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक जेएनयू में रहे। वो यहाँ पर हुए लगभग हर आंदोलन में शामिल हुए और उनकी कविताएं गूंजती रहीं। उन्होंने आगे बताया कि मेरी जानकारी के मुताबिक रमाशंकर विद्रोही ने कागज़ पर कभी कविताएँ नहीं लिखी, वो ज़ुबानी ही सुनाया करते थे। बाद में उनकी कविताओं को अंकित करने की कोशिश की गई और ये भी काफ़ी मुश्किल काम था क्योंकि वो आंदोलनों में ही अपने असली रूप में नज़र आते थे। प्रोफेसर अवधेश त्रिपाठी बताते हैं कि विद्रोही जी समाज के हर उस वर्ग के साथ खड़े नज़र आते थे जिसको सताया गया हो या जिसको मारा गया हो या फिर जिसको हार मिली हो। उन्होंने बताया कि विद्रोही जी हुमायूं के पक्ष में लंबी चौड़ी गाथा गाते थे। एक बार मैंने पूछा कि आप हुमायूं के लिए क्यों गा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए गा रहा हूं क्योंकि हुमायूं पराजित हुआ था और जो भी इतिहास में पराजित हुए हैं मैं उनके पक्ष में हूं। इन तमाम पहलुओं से ये समझ आता है कि रमाशंकर विद्रोही के दिल में पराजित होने का दर्द था और उन्होंने उस दर्द को बरसों बरस जिया। जनगण मन में वो लिखते हैं, मुझे माफ़ करना मेरे दोस्तों, मैं एक पराजित योद्धा हूँ और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपदेश नहीं है, इसलिए नहीं कि मुझे बिठा दिया गया है प्यास के पहाड़ों पर, कि मेरी अंतड़ियों को मरोड़कर भींच दिया गया है मुट्ठियों के बीच, वरन इसलिए कि ना तो मौत आती है और ना मैं ये बात भूल पाता हूँ कि मैं एक योद्धा हूँ और पराजित हो गया हूँ। रमाशंकर विद्रोही की शादी बेहद छोटी उम्र में कर दी गई थी। उनकी पत्नी का नाम शांति देवी था। उनकी बेटी अमिता कुमारी ने बताया कि उनको स्कूल जाने के लिए कहा जाता था तो वो मना कर देते थे। वो भैंस चराने जाया करते थे और भैंस के ऊपर बैठकर घूमा करते थे। उनकी इन आदतों को देखकर परिवार के किसी बुजुर्ग ने कहा कि शांति स्कूल जाती है और आप नहीं जाते, आप अगर अनपढ़ ही रह गए तो आगे चलकर आपकी शादी टूट सकती है। अमिता बताती हैं कि ये बात सुनकर वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए और पढ़ने लिखने लगे।
रमाशंकर विद्रोही ने अपनी भैंस को भी कविता में शामिल किया और बड़े ही अलग अंदाज में इसमें अपना दर्द भी साझा किया है। वो लिखते हैं, मैं अहीर हूँ और ये दुनिया मेरी भैंस है। मैं उसे दूह रहा हूँ और कुछ लोग उसे कुदा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो कुदा रहे हैं आपको पता है? क्यों कुदा रहे हैं ये भी पता है, लेकिन इस बात का पता ना आपको है, ना हमको है, ना उनको कि इस कुदाने का परिणाम क्या होगा। हाँ, इतना तो पता है कि नुकसान तो हर हालत में हमारा ही होगा, क्योंकि भैंस हमारी है और दुनिया भी हमारी है। अमिता कुमारी ने बताया कि उन्होंने अपनी पहली कविता तीसरी क्लास में लिखी थी और बचपन में लिखी कविताओं का रंग रूप वही है जो उन्होंने जेएनयू में रहकर लिखा। रमाशंकर विद्रोही जेएनयू के वाम आंदोलनों में खुलकर भाग लेते थे। 2015 के दिसंबर महीने में जेएनयू के ऑक्यूपाई यूजीसी प्रोटेस्ट के वक्त भी वो काफ़ी एक्टिव रहे। इसी आंदोलन के दौरान 8 दिसंबर 2015 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। विद्रोही अपनी एक कविता में मौत का जिक्र करते हुए लिखते हैं, मैं भी मरूंगा और भारत के भाग्य विधाता भी मरेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जन गण मन अधिनायक मरे, फिर भारत भाग्य विधाता मरे, फिर साधु के काका मरे, यानी सारे बड़े बड़े लोग पहले मरे, फिर मैं मरूं आराम से उधर चलकर वसंत ऋतु में, जब दानों में दूध और आमों में बौर आता है, या फिर तब जब महुआ चूने लगता है, या फिर तब जब वन बेला फूलती है, नदी किनारे मेरी चिता दहक कर महके और मित्र सब करें दिल लगी कि ये विद्रोही भी क्या तगड़ा कवि था कि सारे बड़े बड़े लोगों को मार कर तब मरा।